UVN08 ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। भुवनलाल मार्कंडे कोंडागांव छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री का बस्तर दौरा हुआ संपन्न। कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के बस्तर दौरा जगदलपुर प्रभारी शंकर पिपरे, प्रदेश महामंत्री अनुसूचित जाति विभाग एवं भुवनलाल मार्कंडे का कोंडागांव जगदलपुर दौरा कार्यक्रम हुआ संपन्न। इस अवसर पर इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष व बस्तर जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा, अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष विक्रम लहरे, उपाध्यक्ष सतीश वानखेड़े का मुख्य भूमिका रही। इस कार्यक्रम में कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमारे जितने भी युवा साथी आए हुए हैं वो सब के ये मंच के माध्यम से मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत गौरव की बात है कि हमारे बीच में पिछले बार जब मैं 2019 में आ रहे हूँ तो हमारे राजू भैया सिर्फ जिला अध्यक्ष रही, लेकिन भैया के सक्रियता देखते हुए माननीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय राजू शर्मा जी, जिला अध्यक्ष के साथ साथ कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्राप्त एक उचित स्थान दिए। आज हम यहाँ इकट्ठा होने का मुख्य कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी के एक महत्वपूर्ण विंग में से अनुसूचित जाति विभाग भी है, जैसे यूथ कांग्रेस है, NSUI है, महिला कांग्रेस है और बहुत सारे जो विभाग है उन सब में से एक महत्वपूर्ण विंग अनुसूचित जाति विभाग भी है। यहाँ अधिकांशता ST SC और OBC के ही लोग इकट्ठे हैं, इसे मुझे लगा। हम सब के अगर कोई हित करे, अगर हमला आज आरक्षण प्राप्त है तो अगर अधिकार हमला कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही मिले। भारतीय जनता पार्टी ना अभी बीच में आपन देखे हो एट्रोसिटी एक क्लास समाप्त करने के लिए रणनीति बनाए रही है, लेकिन माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी के नेतृत्व में और पूरे हिंदुस्तान में एट्रोसिटी एक्ट के जबरदस्त विरोध हुई और वो एट्रोसिटी एक्ट पूरी तरह से नकार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ला वो एक्ट से पीछे हटेल पड़ गए। ये तो हो गया हमारे संविधान के और आरक्षण की बात। आज हमारे पास हमारे प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे ज्यादा ऐतिहासिक और गौरवशाली मुख्यमंत्री मिले हैं माननीय भूपेश बघेल जी। आज हमारे मन के दायित्व और कर्तव्य है कि चाहे वो ST हो, SC हो, चाहे OBC हो, चाहे सामान्य वर्ग के हो, अगर वो कांग्रेस पार्टी के विचारधारा का सम्मान करते तो आज